हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डॉग यानी कुत्तों के बारे में कुछ रोचक जानकारियां शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप छाया डी फॉर सी में। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्यों ने लगभग 30,000 साल पहले कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में अपने साथ रखना शुरू किया था। किसी समय कुत्ते और भेड़ियों के पूर्वज एक ही थे। इसी के कारण आज भी दोनों प्रजातियों का डीएनए लगभग 99.9% मिलता है। दुनिया के सबसे बूढ़े कुत्ते मैगी की मौत लगभग 30 साल की उम्र में हुई थी। उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में 1986 में हुआ था और 14 अप्रैल 2016 को उसकी मौत हो गई थी। कुत्ते के खून 13 प्रकार के होते हैं, जबकि मनुष्य में केवल 4 प्रकार का ही खून पाया जाता है, जिसमें से ओ, ए, बी और ए बी होते हैं। एक औसत कुत्ता 2 साल के बच्चे जितना बुद्धिमान होता है और उसे 150 शब्द सिखाए जा सकते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला जानवर एक कुतिया ही थी, जिसका नाम लैका था। लैका को 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ यानी कि रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था, पर अंतरिक्ष यान में अत्यधिक गर्मी होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। कुत्ते की नाक और पंजे ही केवल ऐसा अंग है जिसमें पसीना आता है। 10 साल से ज़्यादा की उम्र पार कर जाने वाले लगभग 50% कुत्तों की मौत कैंसर की वजह से होती है। कुत्तों के सूंघने की क्षमता मनुष्यों से 10,000 गुना ज़्यादा होती है। हिटलर की नाजी सेना ने कुत्तों को बोलने और पढ़ने की ट्रेनिंग देने की कोशिश की, पर वह असफल रहे। चाइना में हर रोज़ लगभग 30,000 कुत्तों को मीट और उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। अगर कुत्ते अपनी पूंछ दाईं ओर हिला रहे हों, इसका मतलब है वह खुश है, और यदि वह अपनी पूंछ बाईं ओर हिला रहा है तो समझ लीजिए वह गुस्से में है। कुत्ते मनुष्यों की तरह सपने देख सकते हैं। कभी आप एक कुत्ते को सोते हुए देखिए, वह अपने पैर इस तरह हिला रहा होगा जैसे किसी का पीछा कर रहा हो। अगर कुत्ते चॉकलेट खा लें तो उनकी मौत भी हो सकती है। अमेरिकी लोग कुत्ता पालने के सबसे ज़्यादा शौकीन हैं। वहाँ करीब 7 करोड़ घरों में पालतू कुत्ते हैं। अगर धरती का चुंबकीय क्षेत्र स्थायी हो तो कुत्ते उत्तर दक्षिण दिशा में खड़े होकर पेशाब करते हैं। आमिर खान के पास एक कुत्ता है जिसका नाम शाहरुख है। आमिर ने इस पर कहा, इस कुत्ते का नाम उन्होंने नहीं रखा है। आमिर के मुताबिक जब उन्होंने नया घर खरीदा तो इस घर के साथ केयर टेकर भी था। केयर टेकर ने कुत्ते का नाम शाहरुख रखा। जब आमिर ने इस बारे में उनसे पूछा तो उसने कहा कि इस घर में कुछ महीना पहले शाहरुख एक विज्ञापन की शूटिंग के सिलसिले में आए थे। इसी दिन उसने एक कुत्ता खरीदा और उसका नाम शाहरुख रख दिया। शाहरुख पहले तो चुप रहे, बाद में कहा कि मैंने भी अपने कुत्ते का नाम आमिर रखना चाहा, पर उसके कुत्ते को आमिर नाम मंजूर नहीं था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स।